अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको क्लास सिक्स में ग्रामर में पार्ट्स ऑफ दूसरी बताऊँगी और उसी के साथ एडजेक्टिव और उसी कार्ड्स को डिफाइन करेंगे। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये हमारे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जो हम एक लफ्ज़ एक सेंटेंस की जो अदायगी करते हैं उसमें ये एट पार्ट जो है इसके शामिल होते हैं। ठीक है, एक जुमला इन आठ चीज़ों से मिलकर बनता है तो हमारी एक स्पीच कहलाती है। अब इसी में हमने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है, वह हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई, मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। अब क्या है, एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिफाई मतलब ये बताता है कि अहल है, अहल होना। मॉडिफाई नज़रसानी करता है और डिस्क्राइब और वजाहत करता है इसकी, आ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन की और प्रोनाउन की वजाहत करता है। ठीक है, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई, यानी कोई एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें बताता है कि ये शख्स अहल है या नहीं। नाउन कहते हैं, अभी आपने जैसे पार्ट ऑफ पहले भी पढ़ा कि किसी भी नाम को कहते हैं, और प्रोनाउन जो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बताया जाता है कि नाम या प्रोनाउन की इसमें खूबी खामी या तादाद वगैरह बताई जाती है। अब इसमें एग्जांपल नंबर वन हमने लिखी, क्लेवर फॉक्स, यानी एक लोमड़ी है, लोमड़ी की खूबसूरत क्या बताई गई है कि वो क्लेवर है, एक क्लेवर फॉक्स। इसी के साथ ब्राइट सन, यानी सूरज, सूरज की खासियत क्या है कि सूरज जो है वो चमकता हुआ है। ठीक है, तो सीधे साधे लफ्जों में भी कहते हैं एडजेक्टिव में किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की खूबी, खामी, तादाद, अच्छाई, बुराई को बयान किया जाता है, ये हमारी एडजेक्टिव कहलाती है। ठीक है, देयर आर सेवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब जिस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का एक हमने आपको बताया एडजेक्टिव, अब इस एडजेक्टिव की भी मजीद काइंड्स होती है, मतलब इसकी मुख्तलिफ एग्जाम होती है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम के नाम बताती हूँ कि देयर आर सेवन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर वन, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव और पजेसिव, ये इसकी हमारी काइंड्स के नाम है। अब देखें, आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। क्वालिटी, हम देखें, हम कहीं पर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो किसी भी चीज़ की क्वालिटी देखते हैं कि जी आई इसकी क्वालिटी क्या है, हमें चीज़ पसंद आती है हम देखते हैं कि भाई ये कैसी है। कोई पेंसिल भी लेने गए तो देखते हैं कि जी इसकी क्वालिटी क्या है, ये कौन सी ब्रांड की है, कौन सी कंपनी की है, तो ये हमारी क्वालिटी कहलाती है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो हमारी पहली काइंड है, इसमें हम कहेंगे एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द नेचर और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, के एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है किसी भी चीज़ की फितरत को बयान करती है। इसकी एग्जाम्पल हम देंगे, द हाउस वाज एयरी एंड स्पेशियस, यानी वो जो घर जो है बड़ा हवादार रोशनदार है, तो द हाउस इज एयरी एंड स्पेशियस। इसी के साथ अलीना बाउट द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेलफोन, के अलीना ने जो है वो एक लेटेस्ट, यानी जो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल जो उसने वो परचेज किया, वो उसने ख़रीदा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, किसी चीज़ की क्वालिटी, तो ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब किसी के साथ क्वालिटी, आपको समझ में आ गया कि हम किसी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं, वो किस किस्म का है, फ़ायदा है नहीं है, तो ये क्वालिटी कहलाएगी। अब इसी के साथ आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी हम क्या कहते हैं, ये क्वांटिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की तादाद को। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की तादाद से मुराद क्या है, तो कहेंगे एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वालिफाइज अनकाउंटेबल नाउन टेल अस हाउ मच, यानी ये हमें ये बताता है कि ये चीज़ कितनी है। इसमें हमें क्वांटिटी बताई जाती है कि कोई भी चीज़ की तादाद की कितनी है, कम है, ज़्यादा है, एक है, दो है, चार है, पाँच है, उसकी क्वांटिटी बताई जाती है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें तादाद को बयान किया जाता है। अब जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि सोनी एट आ लिट इज राइस एंड ब्रेक सम टी, ये सोनी एक लड़की का नाम है, कह रहे हैं उसने जो है लिटिल मतलब थोड़े से चावल खाए, चावल लिए और इसी के साथ उसने थोड़ी बहुत चाय पी। ठीक है, तो ये इसमें एक क्वांटिटी बताइए, उसने चावल कितने खाए, अब चाय उसने चार प्लेट खाए, लेकिन हम कह रहे हैं कुछ खाए, प्लेट में थोड़े से निकाले, अब चावल के दाने में तो नहीं गिन सकते, तो ये इसमें इस्तेमाल किया गया थोड़े से चावल खाए और उसने थोड़ी सी
चाय की। अब चाय की भी क्वांटिटी होती है कि एक कप, दो कप, तीन कप, लेकिन उन्होंने बताया भी थी कुछ थोड़ी बहुत चाय की। इसी के साथ कह रहे हैं आई वॉन्ट टू विदड्रॉ ऑल द मनी इन माई अकाउंट। कह रहे थे कि मैंने अपने अकाउंट से जो है जितने भी मेरे तमाम पैसे थे वो सब पैसे मैंने निकाल दिए। तो ये हमारी क्या है, क्वांटिटी। अब जैसे हम मार्केट में, हमने कहा आई बाउट आर टू पेंसिल, कि मैंने दो पेंसिल खरीदी, तो इसमें क्या बात की जा रही है, किसी चीज़ की तादाद। ठीक है, तो एडजेक्टिव कहते हैं किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई को एडजेक्टिव कहा जाता है। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि इसकी सेवन काइंड्स होती है, तो इसमें मैंने आपको एक बताई क्वालिटी। क्वालिटी कहते हैं, मैंने अभी आपको जैसे मैं शादी कोई चीज़ लेने जाते कहते थे किस क्वालिटी की है, ठीक है, उसका मैार पहचानते हैं। उसी के साथ मैंने आपको बताया क्वांटिटी। क्वांटिटी कहते हैं तादाद को, कि उसकी कितनी तादाद है, एक है, दो है, पाँच है, दस है, पाँच लाख है, जो भी है। ठीक है, ये हमारी कहलाती है क्वांटिटी। अब इसी के साथ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर भी और क्वांटिटी भी तकरीबन सेम होती है, नंबर और क्वांटिटी। इसमें कह रहे हैं एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वालिफाइड काउंटेबल नाउन टेल अस हाउ मेनी। कह रहे हैं ये भी, ये जो एडजेक्टिव की काइंड होती है, ये भी हमारी ये काउंटेबल होती है, यानी इसमें हमें बताया जाता है कि कितने किलो है, कितना, कितनी तादाद है। इसकी एग्जाम्पल कि फाइव स्टूडेंट वो डिस्टिंग इन द एग्ज़ाम, यानी पांच स्टूडेंट ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। आई वॉज सेकेंड इन द 100 मीटर रेस। क्या कहा जाए कि आई वॉज सेकेंड, यानी मैं 100 मीटर की रेस थी उसमें मैंने सेकेंड नंबर मेरा आया, मैंने उसमें जीत लिया। तो ये क्या है हमारी क्वांटिटी। ठीक है, तो एक हमारी हो गई क्वांटिटी, एक हो गई क्वालिटी, और एक हो गई हमारी नंबर। इसी के साथ हमारी एडजेक्टिव ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव। डेमोंस्ट्रेटिव हम कहते हैं कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट टू अ पर्सन फॉर थिंग, यानी डेमोंस्ट्रेटिव में हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, वो लड़की, वो चीज़, वो दरवाज़ा, वो बंगला, तो किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, तो ये हमारी कहलाती है डेमोंस्ट्रेटिव। तो कहते हैं जैसे इसकी एग्जाम्पल है दैट चाइल्ड इन द कॉर्नर इन लुकिंग रियल। तो यानी किसी भी, अब हम क्लास में कोई बच्चा बैठा कहते हैं कि वो लड़का जो बैठा हुआ सो रहा है ना, तो यानी उसको हाईलाइट किया गया, दैट बॉय, वो लड़का, दैट बॉय आर स्लीपिंग। तो ये हमारी क्या है डेमोंस्ट्रेटिव। ठीक है, आज मैंने अभी आपको आपका पार्ट ऑफ स्पीच मैंने डिफाइन किया कि क्या होते हैं, एक जुमले में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं। इसी के साथ मैंने आपको एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव के बाद फिर मैंने आपको इसकी तमाम काइंड्स के नाम बताए, और उसमें से मैंने आपको चार डिफाइन की, क्वांटिटी, क्वालिटी, डेमोंस्ट्रेटिव और नंबर। ठीक है, और अब आपने इसको करना है, इस कॉपी में करना है, और इसके मुताबिक इसको आपकी ग्रामर टूटेगी, उससे भी इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, आज की हमारा टॉपिक यही था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।